नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव की फोर्थ वीडियो, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले वाली जो तीन वीडियोस आ चुकी हैं उनकी पीडीएफ मैं बता देता हूं आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, वहां से आप हर वीडियो की, चाहे वो कोई भी टॉपिक की हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर से हो या फिर करंट अफेयर से हो या कॉन्स्टिट्यूशन से हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एडजेक्टिव को हमने बहुत डिटेल से स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले वाली हर एक टाइप को मैं अलग अलग वीडियो में कवर कर रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना होए और आप जिस भी टॉपिक को समझना चाहते हो, किस भी टाइप को समझना चाहते हो, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी एक ट्रिक रहती है, जैसे हमने प्रोनाउन को किया और अब हम एडजेक्टिव को कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं हर वीडियो के अंदर, उसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब बात करें एडजेक्टिव की, तो ये क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई बोले तो उसकी विशेषता होता है। विशेषता मतलब कोई विशेष है क्या? वो विशेषता का मतलब यहां पर है उनके बारे में कोई भी जानकारी हमको दे दे, उसकी तरफ इशारा कर दे, उसको अच्छा बुरा अपना ओपिनियन बता दे, उसका कलर बता दे, कुछ भी बता दे, तो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या एडजेक्टिव इसके कुछ टाइप होते हैं? बेशक होते हैं। हमने जो है अब तक प्रॉपर एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया, न्यूमरल एडजेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया, पोसेसिव एडजेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया, और आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और हर एक टाइप के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को कोई भी जो टॉपिक है वो होजपोज ना हो और आप आसानी से हर चीज को अपने कैटेगराइज करके अच्छे से वो चीजें समझ सको। अब बात कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद जो भी नाउन आया उसकी तरफ इशारा करते हैं, उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेतवाचक। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव चीज जो है, हमने प्रोनाउन का जब हमने वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने लेक्चर लिया था, तो वहां पर देखा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आता है, जैसे दिस बॉय, दैट ग्रुप, दीज पीपल, दोज कंट्रीज, ये क्या होते हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रोनाउन का भी काम कर देते हैं, जो एडजेक्टिव का भी काम कर देते हैं, तो वो वाले वर्ड्स बहुत अच्छे से हमको देखने हैं। हमें सेंटेंस को देखकर, पढ़कर वहां पता लगेगा कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो वहां पर नाउन प्रोनाउन यूज हो रहा है या फिर वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। यहां पर ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये बॉय लगा हुआ है। बॉय क्या है? एक नाउन है, और नाउन के पहले एक वर्ड आ रहा है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर? और दिस, दैट, दिस और दैट, ये दोनों जो वर्ड हैं वो सिंगुलर के लिए आते हैं, वो सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। और दीज, दीज और दोज, ये जो वर्ड्स हैं वो प्लूरल के लिए आते हैं। ध्यान रखना, ये प्लूरल के लिए आते हैं। प्लूरल क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर मैं ये लिखूं दिस, दिस कार्स, तो ये गलत होगा ना, क्योंकि कार्स तो प्लूरल है, तो कार्स प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर दिस ना आके दीज कार्स आएगा, दीज कार्स। क्लियर? तो यहां पर आपको देखना है कि नाउन आपका प्लूरल है तो आपको एडजेक्टिव भी प्लूरल लगानी पड़ेगी, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो एडजेक्टिव सिंगुलर लगानी पड़ेगी। क्लियर हुआ? अब एक चीज दो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद अगर नाउन हो तो हम इनको कह देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो तो इशारा कर रहे हैं। लेकिन नाउन ना हो, उसके बाद वर्ब आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं दिस कार इज माइन। अब इसमें अगर आप देखें तो ये दिस इसके ऊपर इशारा कर रहा है, तो ये नाउन है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, अब ये नाउन है। अब एक वर्ड जो नाउन की तरफ इशारा करे या कुछ भी बताए उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये यहां ही एडजेक्टिव है, इज मेन वर्ब है, यहां पर माइन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है।
ये पोसेसिव प्रोनाउन है। अब इसी के बाद अगर मैं ऐसे लिखूं, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो, इसको कट करते हैं। मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अब यहां पर ये दिस जो है आप देखेंगे, ये जो दिस है, ये वाला जो दिस है, इस बार यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इज यहां पर मेन वर्ब है और कार यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, माई इसके ऊपर अधिकार जताने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर दिस के, दिस दैट के या दीज के या दोज के बाद अगर नाउन आ रहा हो तो हम इनको क्या कह देंगे, इनको कह देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ना आ रहा हो, उनके बाद कोई तुरंत वर्ब आ रही हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये वर्ब हमने देखा ना, इज जो है यहां पर वर्ब ही तो थी, क्लियर। अब इनसे रिलेटेड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर कर लेते हैं। अब ध्यान रखना, डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटेड जो है वो एरर एडजेक्टिव में कोई नहीं पूछता। इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे जब हम नाउन का जब चैप्टर कर रहे होंगे। एक तरीके से नाउन के एरर है, वो कैसे अभी समझाओगे। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस कैटल बिलोंग टू मिस्टर वर्मा हु इज अ वेल नोन पर्सन ऑफ आवर विलेज। अब यहां पर अगर हम इसको ब्रेक करने की बात करें तो बिलोंग्स ये हो जाएगी आपके सामने वर्ब, टू प्रीपोजिशन है, मिस्टर वर्मा जो है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इस मिस्टर वर्मा की तरफ, ये सब्जेक्ट बन रहा है, इज मेन वर्ब है, ए आर्टिकल है, वेल एडवर्ब है, वेल एडवर्ब है, ये नॉन ये यहां पर एक एडजेक्टिव है, पर्सन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, ओ प्रीपोजिशन है, विलेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आवर इस विलेज के ऊपर इशारा करने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है, इशारा नहीं इसके ऊपर अधिकार जताने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्लियर। अब यहां पर ये वर्ब आई, इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए तो कैटल यहां पे सब्जेक्ट बनेगा, दिस इसके ऊपर इशारा करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा। इसमें एरर क्या है, एरर इसमें यह है, ये जो कैटल है ना, ये जो कैटल है ये एक प्लूरल वर्ड है, ये एक प्लूरल वर्ड है, तो अब ये अगर प्लूरल वर्ड है तो इस एडजेक्टिव में चेंज होगा, तो यहां पर दीज कैटल आना था। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, पीजेंट्री, पुलिस, कैटल, ये जो होते हैं ये दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते वो प्लूरल हैं। जब नाउन करेंगे वहां पर भी इस चीज को समझेंगे। तो मैं इसको नाउन का एरर क्यों कहता हूं, क्योंकि यहां पर इस नाउन की वजह से इस वर्ड को चेंज करना पड़ा। भाई ध्यान से सुनना, नाउन के ऊपर डिपेंड होते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के ऊपर डिपेंड होते हैं वो एडवर्ब, तो जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं उसी में चेंज करना पड़ता है। जैसे ये जो एडजेक्टिव है इस नाउन के ऊपर डिपेंड था इसलिए इसको चेंज करना पड़ा, इसलिए इसको मैं नाउन का एरर बोलता हूं। अगला देखो जरा, दीज न्यूज आर बेसलेस सो यू शुड नॉट वरी, दीज न्यूज आर, अब यहां पर फिर से आर जो है मेन वर्ब है, बेसलेस सो यू शुड नॉट वरी, यहां पर यू जो है वो सब्जेक्ट नंबर दो है, यू जो है वो सब्जेक्ट नंबर दो हो गया, सो यहां पर कंजंक्शन हो गई, शुड यहां पर नोट, शुड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, नोट यहां पर एडवर्ब ऑफ नगेशन है, एडवर्ब ऑफ नगेशन है, और वोरी यहां पर, वोरी यहां पर मेन वर्ब हो जाएगी, वोरी यहां पर मेन वर्ब हो जाएगी, और बेसलेस यहां पर एक तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, न्यूज यहां पर इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, दीज इसके ऊपर इशारा करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब आप सोचोगे कि सर न्यूज लिखा हुआ है तो आप दीज ही लगाएंगे क्योंकि न्यूज प्लूरल होती है। भाई न्यूज जो है वो सिंगुलर होती है। अब न्यूज जो है वो सिंगुलर होती है तो यहां पर न्यूज जो वो सिंगुलर वर्ड है तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें चेंज इस दीज में करना पड़ेगा। तो यहां पर आना था दिस न्यूज, दिस न्यूज। अब दिस न्यूज यहां पर एक तरीके से ध्यान रखना, दिस न्यूज ये आर भी हटेगा, इज आएगा, इज बेसलेस, साथ ही साथ ऊपर वाले में भी चेंज होगा। अगर ये प्लूरल है तो वह भी तो प्लूरल लगेगी, बिलोंग होगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको छोटा सा एक टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसको भी हम देखिए, एक बार हमने एडजेक्टिव के बेसिक के अंदर इसको कर लिया था, फिर हमने प्रोनाउन, जब प्रोनाउन कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो उसके अंदर भी हमने कर लिया था, आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कर रहे हैं इसके अंदर भी हमने कर लिया है। अब जब
नाउन करेंगे तो वहां पर भी इसको अच्छे से देख लेंगे और एक बार और। तो ये बस इतनी ही चीजें होती हैं और आपकी रिवीजन हर टाइम होती रहती है, जब भी अब नया कॉन्सेप्ट आएगा उसके अंदर पुरानी रिवीजन हो जाएगी। तो इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको कोई डरा देता है इंग्लिश को लेकर, तो इतना डरना नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया है तो भैया आप मेरा हौसला तो बढ़ा ही सकते हो, कौन से आपसे रुपए लग रहे हैं, लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। भैया आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों जनों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर इवन सीखना भी चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और इससे मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज के इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।